हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 29 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स सब लिटरेचर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा, वो है चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में। कंटेक्स्ट को भी हम जानेंगे और उसके बाद हम देखते हैं पहले चार धाम प्रोजेक्ट को। तो चार धाम प्रोजेक्ट है क्या? देखो, हिंदुओं के जो तीर्थयात्री हैं, बेसिकली उनके चार इंपोर्टेंट धाम हैं, उनको लेके बेसिकली कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि उत्तराखंड में है। कौन कौन से? एक तो है बद्रीनाथ, एक है यहाँ पे गंगोत्री, एक है केदारनाथ और एक है यमुनोत्री। तो इन चारों धामों की जो कनेक्टिविटी है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसी के साथ इन चारों धामों को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए, अभी तक देखो इश्यू क्या आ रहा है कि लोग हैं वो चारों धाम पे जा तो सकते हैं, बट ये चारों धाम आपस में कनेक्ट नहीं है। मतलब जैसे कि जो यहाँ पे हम बात करेंगे, बद्रीनाथ से केदारनाथ नहीं जा सकते डायरेक्टली, और इसी के साथ केदारनाथ से गंगोत्री, तो ऐसे क्या है आपस में इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। और इस इंटरकनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चार धाम प्रोजेक्ट है वो लाया गया था। तो हमें ध्यान में रखना कि चार धाम प्रोजेक्ट में कौन कौन से धाम है उनको कनेक्ट करने की बात है यहाँ पे की जा रही है। और एक देखो, यूपीएससी इनको नॉर्थ टू साउथ भी रेंज करवा सकती है, ईस्ट टू वेस्ट भी रेंज करवा सकती है। तो हमें इनकी लोकेशन पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन है कहाँ पे। आपको ध्यान रखना है कि ये यमुनोत्री है, फिर यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे पहले ईस्ट से वेस्ट चलते हैं। देखो, ईस्ट में आ जाएगा हमारा सबसे पहले बद्रीनाथ, इसके बाद में आएगा हमारा केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद में गंगोत्री, और फिर आएगा यमुनोत्री। हम बात करें नॉर्थ से साउथ की, तो देखो यमुनोत्री है, गंगोत्री है, इसके बाद में बद्रीनाथ है, और फिर यहाँ पे केदारनाथ है। तो हमें इनको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये लोकेशन हमें पता होना चाहिए, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। कंटेक्स्ट अभी ये है कि देखो, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर जो एनजीओ वगैरह हैं, उन्होंने अभी पेटिशन डाली थी इस चीज को लेके कि भाई जो चार धाम प्रोजेक्ट के तहत जो 900 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को कनेक्ट किया जाएगा, इससे इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो रोड बनाई जाएंगी तो उससे जो बायो इन्वायरमेंट है उसका काफी डिग्रेडेशन होगा, या इन्वायरमेंट का लॉस होने वाला है। और इसीलिए इन्वायरमेंट जो आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट सपोर्टर लोग हैं, उनके द्वारा पिटीशन डाली गई है कि भाई एनजीटी से इसी की परमिशन वगैरह लेनी गई, इस चीज को लेकर यहाँ पे क्लियरिफाई वो किया जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में, बेसिकली चार धाम प्रोजेक्ट को चार धाम महामार्ग विकास परियोजना या फिर चार धाम महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इसके इंपोर्टेंट फैक्ट है जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है वाटर डेफिसिट नेक्स्ट ईयर इन इंडिया। देखो, बेसिकली ये एक रिपोर्ट आई है, तो वो हमें ध्यान में रखना है किसके द्वारा पब्लिश की गई और इस रिपोर्ट में है क्या, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। आई साइंस, जो कि यूएस बेसिक लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आई साइंस एक इंस्टीट्यूट है, कॉर्पोरेशन है, जिसके द्वारा अभी वाटर डेफिसिट नेक्स्ट ईयर इन इंडिया के बारे में रिपोर्ट है वो प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ग्लोबल जो वाटर है उसमें काफी इश्यूज, मतलब उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कहीं पे तो पानी की वजह से बाढ़ आने वाली है और कहीं पे सूखा बढ़ने वाला है। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली आया अभी इंडिया को लेके कि इंडिया में जो कॉफी प्रोडक्शन है नेक्स्ट ईयर में वो लोवेस्ट ईयर की लोवेस्ट रहने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही इंडिया में पानी की क्राइसिस है वो 2019 में बढ़ने वाले हैं। इस चीज को लेकर बेसिकली यूएस का जो इंस्टीट्यूट है या यूएस की जो कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, तो ये हमें ध्यान में रखना है किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है HYSIS के बारे में, मतलब हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया ने अपना फर्स्ट जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है वो कि जो कि अर्थ की बेसिकली ऑब्जर्वेशन के लिए काम आएगा, उस सैटेलाइट को लॉन्च है वो किया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई किसके द्वारा लॉन्च है वो किया गया है। और देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हाई सी सैटेलाइट है या फिर जिसे बात करें हम हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, ये बेसिकली इंडिया की जो अर्थ सरफेस है उसकी स्टडी करेगा, और इसमें जो कैमरे लगे हुए हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया एक वन ऑफ द कंट्री बन गई है जिसने ऐसे स्टेप हैं वो उठाए हैं। मतलब इस जो ये प्रोजेक्ट लाया है, सैटेलाइट लॉन्च किया गया है HYSIS प्रोजेक्ट, ये बेसिकली अर्थ की सरफेस को स्टडी करेगा विजिबल को। इसके साथ ही जो इंफ्रारेड और जो शॉर्टवेव इंफ्रारेड रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उन सब की स्टडी है वो करेगा। तो यह हमें ध्यान में रखना है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी नई टेक्नोलॉजी है इंडिया के द्वारा, और ये आपको ध्यान रखना कि इंडिया का पहला सैटेलाइट है जिसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमराज का यूज है वो अभी तक किया गया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इंडिया के पहले ऐसे सैटेलाइट है जिनमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमराज का यूज किया गया है, जिससे पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी होगी और हमें और ज्यादा ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज है वो सीखने को मिलेगा। तो ये कुछ इसके बारे में फैक्ट है कि भाई इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। अब देखो, ऑब्वियसली ये सैटेलाइट यूपीएससी एक तो ऐसे पूछ सकती है कि जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है वो किस लिए यूज होने वाला है, दे सकते हैं कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। तो जी हाँ, ये अर्थ की ऑब्जर्वेशन या अर्थ की के लिए यूज है वो होने वाला है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग कैमराज के तौर पर इनका यूज है वो किया जाएगा।
कुछ इस तरीके का बेसिकली सैटेलाइट है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है वो यह है और इंडिया ने अभी इसको लॉन्च है वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के बारे में। देखो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है बेसिकली निर्मला सीतारमन, उसके द्वारा बेसिकली ये मिशन है, ये लॉन्च है, वो किया गया है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस इक्विपमेंट है, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराया जा सके, मतलब उसके बारे में लोगों को ज्ञान है, वो शक्ति है, नॉलेज है, वो बढ़ाया जा सके, इसके लिए बेसिकली एक मिशन है वो स्टार्ट किया गया है। ये जो मिशन है वो बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है DGQA उसके द्वारा बेसिकली इंटरेस्टेड है और उसकी जिम्मेदारी है और वो ही उसको इम्प्लीमेंट इस प्रोजेक्ट को करने वाली है। तो हमें ध्यान में रखना है कि मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति है वो है क्या। बेसिकली देखो इसमें होगा क्या, इसमें 100 केस प्रोडक्ट प्रदर्शनी लगने वाली है डिफेंस इक्विपमेंट की, जो कि हम बात करें DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो, इसके साथ ही डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, DPSUs है और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनके द्वारा जो उपलब्धि हासिल की है उनके बारे में एक तरीके से प्रदर्शनी वगैरह लगाई जाएगी, लोगों को अवेयर है वो करवाया जाएगा और इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी एप्लीकेशन राइट्स हैं इनके बारे में लोगों को अवेयर है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। तो इसको लेके न्यूज आई है तो हमने इसको यहाँ पे डिस्कस है वो किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है होक डियर के बारे में। देखो अभी रिसर्चर्स हैं उनकी रिपोर्ट से सामने पब्लिश हुआ है कि जो होक डियर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बेसिकली अभी केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में आइडेंटिफाई या वहाँ पे उनको डिस्कवर है वो किया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में होक डियर की स्पीसीज है, छोटी पॉपुलेशन है वहाँ पे पाई गई है। अब देखो अहम बात है कि एक तो ये होक डियर है वो पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, ये भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि होक डियर की लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे है। देखो बेसिकली होक डियर का जो आवास है वो आज के टाइम पे खत्म होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो पेड़ पौधे आपको पता है कि फॉरेस्ट को लगातार इफेक्ट किया जा रहा है, लगातार फॉरेस्ट उसको काटा जा रहा है, तो इसकी वजह से इनका नेचुरल आवास है वो खत्म होता जा रहा है। और हम बात करें कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे काफी ज्यादा मतलब इनकी एक तरीके से आप बोलते पॉपुलेशन है, तो वहां पे इनको काफी बार देखा है वो गया है। तो इंडिया में एक तो UPSC इनका आवास पूछ सकती है, जैसे UPSC दे देगी कि पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, या फिर दे देगी कि हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं, या फिर दे देगी कि पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, तो इस तरीके से हमें पता हो कि हाँ भाई कौन से एरियाज में बेसिकली पाए हैं वो जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हमें इसके बारे में ध्यान है वो रख रहे हैं। इसके साथ ही हम होक डियर के बारे में बात करें तो IUCN की जो कंजर्वेशन लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको शामिल है वो किया गया प्रोटेक्शन के नजरिया से। इसके साथ ही इंडिया में हम बात करें तो इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल फर्स्ट में, यानी मतलब कि प्रोटेक्शन को काफी ज्यादा है वो दी गई है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखो अहम बात और क्या आती है, जो हम बात करें 20वीं शताब्दी में बेसिकली होक डियर है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट थे साउथर्न ईस्टर्न एशिया में, मतलब साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है जिसमें कि इंडिया वाला रीजन आता है और इसके साथ ही आसियान वाला एरिया आ जाता है, इस रीजन में काफी तादाद में बेसिकली या बहुत बड़ी मात्रा में ये जो होक डियर है पाए जाते थे। बट आज के टाइम में, आज के समय में अगर हम बात करें तो होक डियर बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड है, एक तो ईस्टर्न पार्ट में और एक वेस्टर्न पार्ट में। तो वेस्टर्न पार्ट की हम बात करें तो वो तो पाए जाते हैं पाकिस्तान और तराई ग्रासलैंड में, मतलब हिमालय के जो फुटप्रिंट हो गए जैसे कि पंजाब हो गया, अरुणाचल प्रदेश, इस वाले बेल्ट में। इसके साथ ही जो ईस्टर्न जो होक डियर है वो पाए जाते हैं बेसिकली थाईलैंड, इंडो चाइना, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम वाले इस बेल्ट में। तो UPSC देखो ऐसे पूछ सकते हैं तो कि तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे सकती है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई होक डियर है वो कहाँ पे पाए जाते हैं और अभी न्यूज में कहाँ थे, कोस्टल नेशनल पार्क से बेसिकली रिलेटेड है, UPSC ऐसे फैक्ट है वो पूछ सकती है। ये थी देखो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। अब एक बार हम थोड़े फैक्ट को रिवाइज है वो कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में जाना कि हिंदुओं के जो चार इंपोर्टेंट तीर्थ स्थल हैं, जो धाम है जिसमें ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 900 किलोमीटर का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है वो लाया था। ये बेसिकली प्रोजेक्ट था वो था रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और भी इश्यू क्या था, इश्यू ये था कि जो पर्यावरण के सपोर्टर हैं उन्होंने आरोप उठाया कि भाई इस जो रोड का निर्माण किया जाएगा 900 किलोमीटर हाईवे का, इसकी हेल्प दिक्कत से ये इसकी समस्या ये आने वाली है कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, फिर जो इन्वायरमेंट है, उस पर लॉस बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके बाद में हमने वाटर डेफिसिट इन नेक्स्ट ईयर इंडिया के बारे में जाना कि इंडिया में वाटर क्राइसिस है वो बढ़ने वाला है। 2019 के बारे में एक रिपोर्ट आई है किसके द्वारा, US की एक लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन है उसने iScience, जिसके द्वारा बेसिकली रिपोर्ट है पब्लिश है वो की गई है।
इसके साथ ही हमने हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट के बारे में जाना, जो कि इंडिया की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के तौर पर यूज है, वो किया जाना है। और इंडिया में इससे हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर कैमराज का यूज किया है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की हमें डाटा प्रोवाइड करेंगे। इसकी हेल्प से हम अर्थ को अच्छे से ऑब्जर्व है वो कर पाएंगे। इसके साथ ही रिमोट सेंसिंग कैमराज का भी यूज है वो किया गया है। इसके साथ ही हमने मिशन रक्षा ज्ञान के बारे में जाना, जो कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि डिफेंस सेक्टर के जो भी इक्विपमेंट है उनको लोगों को अवेयर है वो करवाया जा सके। इसके साथ ही हमने हॉक डियर के बारे में जाना कि हॉक डियर की जो स्पीसीज है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्से में। तो लोकेशन हमने देखी कि कहाँ कहाँ कौन से बेल्ट में पाए जाते हैं। ये थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।